हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह सुबह का टाइम है और ये वाला व्लॉग 2 दिन पहले का बना हुआ है। मेरी तबीयत, जैसे कि आप सब लोगों को पता है, बहुत टाइम से ख़राब चल रही है। अभी मैंने शावर वगैरह लिया है, उसके बाद थोड़ा बहुत जो बॉडी लोशन या मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत जो भी करती हूँ वो करूँगी, और उसके बाद फिर हल्का फुल्का घर का काम जो मैं रोज़ करती हूँ वही करूँगी। तो मैंने हल्की सी लिपस्टिक और हल्का सा आईब्रो को फिल किया है, उसके बाद कंघी वगैरह करके फिर मैं जाऊंगी बाहर की तरफ। और आज के व्लॉग को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत अच्छा व्लॉग है और एक काफ़ी बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है आपको। तो व्लॉग को प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर भी ज़रूर करिएगा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी ना बस शावर लिया थोड़ी देर पहले मैंने, और उसके बाद फिर मैंने पूजा वगैरह किया। अभी मैंने थोड़ा सा अपना जो बाल वगैरह कंघी किया, लिपस्टिक लगाई है, ज़्यादा तो कुछ नहीं किया क्योंकि मन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और अभी दवाई खाई है मैंने, नाश्ते के बाद रेस्ट करूँगी क्योंकि घर का थोड़ा बहुत काम कर लिया, ज़्यादा मैं नहीं करूँगी, आज मेरे से नहीं हो पा रहा है कुछ भी। और किचन का काम भी मैंने सारा तकरीबन ख़त्म कर लिया है। और हाँ, आज के व्लॉग में आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा बेल आइकन के साथ, और बेल को हाँ प्लीज़ ऑल पे क्लिक करिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत अच्छा वीडियो होने वाला और बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। पहले तो मेरे लिए भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ था सुबह सुबह, लेकिन धीरे धीरे आगे आपको ब्लॉग में पता चलता जाएगा कि क्या सरप्राइज़ है। और खाना वगैरह मैंने सारा ही बना लिया है अपना, बस ये कि थकान बहुत ज़्यादा हो जा रही है, दवाई खा के बस जैसे तैसे काम चला रही हूँ। और सेटिंग वगैरह मैंने सारी कर दिया, बस पर्दे वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं अभी, कहीं पर भी नहीं लगाए मैंने, ये देखिए किसी भी जगह पर नहीं लगाए, खाली बेडरूम में लगाए हैं। तो वो मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में दिखाया था, ये देखिए, और वो थोड़ा सा मैंने ऐसे ही एडजस्ट कर दिया है, ये सब किया है, बाकी कुछ नहीं किया। डेजी हमारी वहाँ सो रही है, डेजू डेजू वो बिल्कुल नहीं सुनी थी, अभी सुबह सुबह का टाइम है ना। और ये डाइनिंग टेबल वगैरह को सेट करना है, इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग करूँगी, डस्टिंग वगैरह सारा, बाकी सब काम मेरा ख़त्म हो गया है। और थोड़ा बहुत बाहर खिलारा पड़ा हुआ है, मन भी नहीं हो रहा है काम करने का, पता इतनी वीकनेस हो गई है, ज़्यादा तकलीफ हो रही है मुझे। चलिए करते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू। और कितनी डस्ट है ये हमारा। अभी ना आज हस्बैंड को सुबह टाइम भी नहीं लगा दूध लेके आने का, तभी मैं सोच रही हूँ दूध ले आती हूँ, टाइम 10 बज गए हैं, धूप बहुत ज़्यादा हो गई है बाहर। मुझे पीने वाली दवाई बहुत गंदी लगती है, ये जो ताकत वाली की दवाइयाँ देते ना, खाने में बहुत अच्छी होती है, टैबलेट तो खाओ आराम से, कोई फ्लेवर नहीं होता इनका। और जो पीने वाली दवाइयाँ होती है इनका फ्लेवर होता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती। प्यार आ रहा है बहुत ज़्यादा, हो गया है 24 घंटे तेरे साथ ही रहे, हम कहीं ना जाएं, काम ना करें, घर के डेजी के साथ ही रहेंगे, है ना डेजू, तेरे साथ ही रहेंगे हम कहीं कुछ काम नहीं करें, सुनो हम तेरे साथ ही रहें। बहुत ज़्यादा 2 मिनट घर पे नहीं रह रही आजकल, पहले तो बहुत आदत थी इसको ना, घर पे रह जाती थी, आजकल नया नया घर है ना। अभी यहाँ पर आके मैंने एक बार भी अपनी आईब्रो नहीं बनवाई है, तो काफ़ी हो गई है, मैं सोच रही थी अभी जाके आती हूँ, लेकिन
अभी मैं कर रही हूँ सफाई, तो थोड़ा बहुत मुझे काम है बेडरूम में, इसके लिए मैं दोबारा थोड़ा सा साफ कर रही हूँ बेडरूम को, क्योंकि मुझे थोड़ी सी पैकिंग करनी है, ब्रीफकेस पैक करना है अपना और हस्बैंड का। तो चलिए बस फटाफट से झाड़ू निकालती हूँ और उसके बाद करती हूँ पैकिंग। मुझे कहीं जाना है कहाँ जाना है ये आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चलेगा। तो ये थोड़ा सा सामान भी मैं डाल रही हूँ और थोड़ी सी वॉशरूम की क्लीनिंग भी कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा सामान है उसको निकाल दूँगी, जो भी फालतू का खाली ऐसे ही पड़ा हुआ है, यूज़ नहीं होता है, उन सबको निकाल दूँगी। और थोड़ा बहुत पैक भी करना है मुझे अपने साथ लेके जाने के लिए। तो वॉशरूम की भी मैंने क्लीनिंग कर दी अच्छे से। मुझे ना बहुत नींद आ रही है, अभी टाइम ना 1:30 हो चुके हैं, 1:30 से भी थोड़ा सा ऊपर हो गया है। बस आराम करूँगी, उसके बाद फिर लंच करती हूँ। 2 बजे से पहले पहले मैं कर ही लूँगी लंच आज तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान हो जा रही है। देखिए मेरा चेहरा कितना अजीब हो रहा है, आँखें बहुत ज़्यादा हो रही है मेरी ना, एकदम डूबी डूबी सी है और डार्क सर्कल देखिए कितना है, बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए, आँखें काली काली हो गई मेरी यहाँ से, ये देखिए एकदम जलन भी बहुत हो रही है। अभी तक ना मुँह भी मेरा ऐसा मतलब कड़वा है अंदर से, दवाई खा के भी वैसे उतनी देर तो आराम रहता है लेकिन बाद में फिर वही हालत हो जाती है। आई शाबाश, इधर मैं इधर हूँ, इधर आओ, इधर और पास में आओ ना। अरे वाह, आज तो पता भी नहीं चल रहा है डेजी मेरे में और डेजी में कोई फर्क नहीं हो भाई, हम तो मैचिंग हो गए हैं ना डेजी। शेम हो जाती है अगर लड़कियों के बड़े बड़े दांत हो तो, समझी? छोटे छोटे दांत अच्छे लगते हैं लड़कियों को, और अगर बड़े हो तो मुंह बंद करके रखते हैं, वही गुड गर्ल होती है। हाँ थोड़ी थोड़ी देर बाद बात करते रहो ना तो इसको अच्छा लगता है, और नहीं तो फिर ऐसे उदास होकर बैठ जाएगी मुँह ऐसे लेके ना एकदम। तो मैं नीचे बैठती हूँ, तेरे को क्या लगता है कि मैं तेरे को लड्डू देने के नीचे आई हूँ? है काम कैसे इतनी देर से लगी है कि मेरे को लड्डू कर लो भाई, मेरे को लड्डू कर लो, किसको लड्डू कर लो, डेजी को लड्डू कर लो, तो फिर काम कैसे करेंगे? बस यही एक छोटा सा सरप्राइज़ है जो कि आपको कल वाले ब्लॉग में पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। और तो इसके साथ ही ब्लॉग का एंड, और आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू।